कैसे हैं आप सब, वेलकम टू इलेक्ट्रिशॉक के यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो वीडियो हमारा होने वाला है वो एक चैलेंजिंग वीडियो होने वाला है। तो वीडियो के चैलेंज में क्या है कि आपने ये बेसिक वाला ब्रिज रेक्टिफायर तो देखा होगा सबने, आप इसको कितने सेकंड में बना लोगे। पेपर और पेन से ही डिज़ाइन करना है, बहुत सर्किट वगैरह डिज़ाइन नहीं करना। लेकिन आपसे मैं अगर पूछूं आप कितने टाइम में इसको डिज़ाइन कर सकते हो, सो आप बोलोगे 3 सेकंड, 4 सेकंड या फिर 5 सेकंड मैक्सिमम। लेकिन मैं अगर 4 डायोड आपको पैरेलली प्रोवाइड कर दूँ, सो आपसे पूछूं आप कितने देर में डिज़ाइन कर लोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको मैं 10 से 12 सेकंड दूंगा तब भी आप डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो यहाँ पे जो सिंपल सा ब्रिज रेक्टिफायर बनता है मैं बना लेता हूँ। ये मैंने सिंबल बना लिया, अब मैं इसमें डायोड फिक्स कर लेता हूँ। और ये मैंने सप्लाई लगा दी, और ये मैंने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये मेरे डायोड से D1, D2, D3, D4। सो यानी अली करंट इधर से चली जाएगी, और इधर से जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इधर से करंट चली जाएगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ एक सर्किट है, लेकिन इसमें दो दो डायोड्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, यानी 2 P2N है और 2 N2P हैं। सो इस तरह आपको नहीं डिज़ाइन करना है, मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ, आपको इस ऑर्डर में डिज़ाइन करना है। तो जैसे कि मैंने आपको ये 4 ऑर्डर दे रखे हैं, 4 इसी ऑर्डर में है। आपको इस सर्किट की हेल्प से इस रेक्टिफायर को डिज़ाइन करना है, लेकिन आपके इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना है। सर, इस वीडियो का जो आंसर है वो आप मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं कि आपने कितने टाइम पे बनाया। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपना आंसर वहाँ पे आप सेंड कर सकते हैं। और इसका जो सही आंसर है वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।